नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमसी में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का आज सुबह सुबह लोनोवे पर ले ली गाना आरएस म्यूजिक जंक्शन पर रिलीज हुआ है, तो पहले उस गाने को जाकर आप देखिए। लेकिन इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि दो दिन पहले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने एक इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो साझा किया था, जिसमें वो अपने मैनेजर यानी कि विवेक सिंह, सोनू पांडे, अखिलेश कश्यप और सारेगामा हम भोजपुरी के जो ऑनर यानी कि जो उन कंपनी के जो मालिक हैं बद्री जहां, वो नजर आए थे। कृष्णा बेदर्दी के अलावा तमाम प्रियंका सिंह भी नजर आई थी। तो उस दिन उन्होंने कहा था कि सारे गामा हम भोजपुरी के लिए गाना कर रहे हैं और इसकी शूटिंग बहुत ही जल्द होने वाली है। तो फाइनली जो है मुंबई में सारे गामा हम भोजपुरी पर जो गाना रिलीज होने वाला है उसकी शूटिंग हो चुकी है और उस शूटिंग को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो गाना कब रिलीज होगा, कब आएगा। और फाइनली जो है खेसारी लाल यादव सारेगामा हम भोजपुरी के लिए शूटिंग कर चुके हैं। और आपको पता ही है कि सारेगामा हम भोजपुरी पर जब कोई गाना आता है तो ऑब्वियसली अपने आप में लाजवाब होता है, तांडव होता है, कहर होता है। तो आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव का कितना जबरदस्त तरीके का लुक जो है वो नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो सारेगामा हम के शूटिंग के दौरान की है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव को बड़े बड़े गाने देने वाले अजीत मंडल भी उस शूट पर पहुंचे हुए थे और इसकी जानकारी उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से दिया है। और उन्होंने लिखा है खेसारी लाल यादव के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए, ऑन शूट सारेगामा। तो खेसारी लाल यादव के साथ अजीत मंडल भी शूट पर मौजूद थे, लेकिन वहीं पर अजीत मंडल दूसरे स्टेटस में मेंशन करते हैं आरसी खान के साथ एक तस्वीर विद आरसी खान। तो आरसी खान के साथ अजीत मंडल अगर तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं और खेसारी लाल यादव के साथ सेम जगह पर तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सारेगामा हम भोजपुरी पर खेसारी लाल यादव के साथ इस गाने में आरसी खान नजर आ सकती हैं। लेकिन जो गाना शूट हुआ है उसमें अजीत मंडल गाना नहीं लिखे हैं, बल्कि इस गाने को कृष्णा बेदर्दी का बताया जा रहा है। खैर, जो भी आगे अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी दूंगा, इसलिए हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।